चुनिया का रुख करेंगे जहां पर सर्कल के थाने कंगनपुर की हदूद में पागल कुत्तों का हमला हुआ। गांव मक्कल और दीगर इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने से 8 मर्द और 1 लड़की जख्मी हो गई। मुतासर मरीजों को हेल्थ सेंटर कंगनपुर मुंतकिल कर दिया गया। कंगनपुर हॉस्पिटल में वैक्सीन ना होने से जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुसूर रेफर कर दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे नियाज अहमद से। नियाज अहमद, बताएगा क्या सूरत हाल है? नियाज अहमद से हम राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनिया में सर्कल के थाने कंगनपुर की हदूद में पागल कुत्तों का हमला हुआ है। गांव मौक्कल और दीगर इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने से 8 मर्द और 1 लड़की जख्मी हो गई। मुतासर मरीजों को हेल्थ सेंटर कंगनपुर मुंतकिल कर दिया गया। कंगनपुर हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन न होने की वजह से जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुसूर रेफर कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर चुनिया से, जहां पर सर्कल के थाने कंगनपुर की हदूद में पागल कुत्तों की तरफ से हमला हुआ। गांव मौक्कल और दीगर इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने से अब तक 8 मर्द और 1 लड़की जख्मी हो गई। मुतासर मरीजों को हेल्थ सेंटर कंगनपुर मुंतकिल किया गया, लेकिन कंगनपुर हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं थी और वैक्सीन न होने की वजह से जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुसूर रेफर कर दिया गया। नियाज अहमद से हम डिटेल्स लेंगे इस बारे में। नियाज, बताएगा इलाज शुरू हुआ क्या? नियाज अहमद से हम राबिता करने की कोशिश करेंगे। अभी तक की खबर आपके सामने रखी।